ध्यान विधि की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। ध्यान विधि की साधना हमारे जीवन को उन ऊंचाइयों को देती है जो भक्ति मार्ग पर हमें एक नया आयाम प्रदान करते हैं। अर्थात जो भी कुछ भीतर का कलुषित होता है, दूषित होता है, अशुभ होता है या अनावश्यक होता है, उन सभी गैर जरूरी चीज़ों को ध्यान विधियाँ मिटा देती हैं और एक बिल्कुल सपाट मार्ग आपके लिए तैयार करती हैं। आज की ध्यान विधि है हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। और इस ध्यान विधि के विषय में पूछा है नंदिता ने हिमाचल प्रदेश से। नंदिता के अनेक प्रश्न आए हैं किंतु संयोग से अभी तक किसी को भी सम्मिलित नहीं किया जा सका। फिर इन्होंने इस ध्यान विधि के बारे में पूछा और यह ध्यान विधि बहुत समय से मैं सोच रहा था कि इसके विषय में कुछ कहा जाए, क्योंकि यह सबसे सरल ध्यान विधि है। जो कोई इसे साध लेता है उसे साधने के बाद फिर कुछ साधने को शेष नहीं रह जाता। यह इतनी महत्वपूर्ण और इतनी सरल है। अब जिसने इस ध्यान विधि के विषय में पूछा है, हम पहले उस नंदिता के भावों को भी सुन लेते हैं, क्योंकि ये ध्यान विधि जानने की एक गहरी प्यास से भर गई है नंदिता, और उसकी उसी प्यास के कारण क्रम से पहले इसकी ये ध्यान विधि लगानी पड़ी है। तो पहले नंदिता का भाव सुनते हैं और उस भाव के साथ फिर हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम ध्यान विधि के बारे में जानेंगे और इसे अपने साथ अपने जीवन का एक हिस्सा बनाकर यदि आप रख लेंगे तो फिर कुछ करने को शेष नहीं रह जाएगा। फिर यात्रा अपने आप होगी, अपने आप। सुनते हैं पहले नंदिता का भाव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाती हूँ, आपके चरणों की रज को अपने माथे से लगाती हूँ। गुरुदेव, मेरा नाम नंदिता है और मैं हिमाचल से हूँ। अपने पति के साथ चंडीगढ़ में रहती हूँ। आप जो हम सबको ज्ञान दे रहे हैं और उसको अपने जीवन में अपनाकर हम सबका जीवन बदल गया है। मैं आपके सारे वीडियो देखती हूँ और उससे मेरे जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। ये सब आपकी कृपा और आशीर्वाद से ही हो पाया है। मैंने आपके बताए हुए मार्गदर्शन को जब से अपने जीवन में उतारा है, तब से बहुत सकारात्मक परिवर्तन मेरे जीवन में आया है। मैंने आपके द्वारा भेजे हुए आध्यात्मिक उपन्यास वचन को हृदय से पढ़ा और अब मैं क्या बोलूँ आगे, मेरा कुछ भी बोलना यहाँ ठीक नहीं होगा क्योंकि मेरे शब्द बहुत ही छोटे हो जाएंगे वचन उपन्यास की महिमा के आगे। वचन उपन्यास की महिमा इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई भी इसे हृदय से पढ़ेगा तो वो अपने आप को उसी काल में पाएगा जहाँ वो सब कुछ घटा था। इसलिए गुरुदेव, मैं कुछ भी बोलने के काबिल नहीं हूँ। बस यही है जो 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 सभी लोगों ने पढ़कर बोला है ये उपन्यास, उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर है, जिसकी हमें कल्पना भी
जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। मैंने हृदय से आपको अपना गुरु माना है और ये बोलना भी मेरे लिए बहुत छोटा होगा, क्योंकि आपकी महिमा मेरे जीवन में इससे इससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। आप मेरे लिए गुरुदेव, आप मेरे लिए ईश्वर का स्वरूप हैं। आपके आते ही मेरा जीवन ऐसे बदला है। मेरे जीवन में मैंने बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन देखे हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव जी। वचन उपन्यास का अध्ययन करने के बाद अंत में मैं आपके द्वारा बताई हुई एक ध्यान विधि का आपने उल्लेख किया है, जो विधि है हसीवा खेलीवा धरीवा ध्यानम विधि। तो गुरुदेव जी, अगर आपसे विनम्र पूर्वक आपके चरणों में स्पर्श करती हूँ और आपसे ये विनती करती हूँ कि इस ध्यान विधि के बारे में हमारा मार्गदर्शन करें, हमें इस ध्यान विधि के बारे में समझाएं, इसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करें, ये ही मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। मैंने आपके बताए हुए आध्यात्मिक मार्ग पे अपने आप को चलाया है और अब कभी मुड़ के नहीं देखूंगी। बस आपके बताए हुए मार्गदर्शन पर मैं हमेशा चलूंगी। आपको मेरा हृदय से चरण वंदना गुरुदेव जी। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। इस ध्यान विधि में चार शब्द हैं, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। यह ध्यान विधि बाबा गोरखनाथ की है। उन्होंने अनेक अद्भुत ध्यान विधियां दी हैं। अब इसको हम पीछे से समझना शुरू करेंगे, पिछले शब्दों से, अंतिम शब्दों से। धरीबा ध्यानम, भक्त कहता है, साधक कहता है कि मैं ध्यान धरना चाहता हूँ, ध्यान को धारण करना चाहता हूँ कि मेरा ध्यान लगे, मेरे भीतर की ऐसी चाह है, इच्छा है, अभीप्सा है, अभिलाषा है, कामना है कि मेरा ध्यान लगे। धरीबा ध्यानम, ध्यान को धारण करूं। और कैसे धारण करूं? हसीबा, हंसते हुए, खेलीबा, खेलते हुए, जॉयफुल एंड प्लेफुल। मेडिटेट जॉयफुल एंड प्लेफुल। तो कैसे करूं, कैसे हो हंसते हुए और खेलते हुए? ध्यान बहुत प्रकार का है। तो पहले हंसते हुए और खेलते हुए, इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं। द्रोणाचार्य के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी कि ये जो कौरव हैं, इनको वे शक्तिशाली कैसे बनाएं, बलिष्ठ कैसे बनाएं, क्योंकि कौरव थे महाअहंकारी और दुर्योधन उनका सरगना, सबसे ऊपर मुखिया, अहंकार शिरोमणि। पांडव तो वनों में रहे थे, विनम्र, सदा हाथ जोड़े रहते थे, छोटे बालक थे तब। और द्रोणाचार्य को यह दायित्व सौंपा गया था कि इन राजकुमारों की शस्त्र शिक्षा उनको देनी है। अब द्रोणाचार्य के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। दुर्योधन को वे समझते थे। उन्होंने सोचा कि यदि मैं कोई भी आदेश दूंगा दुर्योधन को, और दुर्योधन ने यदि ये मान लिया कि ये मेरा अपमान है, मैं तो राजकुमार हूं, तब तो बात बिगड़ जाएगी। क्योंकि अगर वो अपने पैर रगड़ता हुआ पहुंच गया अपने पिता के पास, धृतराष्ट्र के पास, और उसने कहा कि उसे द्रोणाचार्य जैसा शिक्षक नहीं चाहिए, इसे निकालो बाहर, तो धृतराष्ट्र तत्काल निकाल देता,
क्योंकि पुत्र मोह में वह इस प्रकार से ग्रसित हो चुका था। अब द्रोणाचार्य के लिए एक एक कदम बड़े फूक फूक कर रखना था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे, उन्होंने बहुत गरीबी देखी थी और बमुश्किल उनको इतनी ऊंची पदवी मिली थी, बहुत ऊंची पोस्ट थी राजगुरु होना और राजकुमारों के शिक्षक होना कोई सामान्य बात नहीं थी। अब क्या करें वे, क्योंकि शस्त्र विद्या सिखाने के लिए शारीरिक बल के रूप में भी पहले बलवान करना है। यदि शरीर का बल नहीं होगा तो कोई योद्धा कैसे बनेगा। अब उसके लिए व्यायाम कराना है, एक्सरसाइज करानी है और कठोर व्यायाम कराना है, तो कैसे कराएं। तो द्रोणाचार्य ने एक उपाय निकाला कि कौरवों और पांडवों दोनों को सामने बिठाया और कहा कि एक प्रतियोगिता करते हैं कि कौन नदी से बाल्टियां जल्दी भर कर लाता है, कौन लाता है। अगर वे यूं ही कहते दुर्योधन से कि तू जा बाल्टी भर के ला और ये जो पौधे हैं, खेत हैं, बगीचे हैं, इनमें पानी दे, तो वो तो अहंकार से भरकर दौड़ता हुआ अपने पिता के पास चला जाता कि मुझे तो इन्होंने पानी भरने वाला बना दिया। बर्दाश्त से बाहर थी उसके लिए बात, और ये उनको करवानी थी एक्सरसाइज, ये व्यायाम, क्योंकि नदी से जल भरकर लाना, दौड़ दौड़ कर लाना, तो उससे क्या होगा, उससे मांसपेशियां मजबूत होंगी और श्वास सधता है, सांस नहीं फूलती तो श्वास पर नियंत्रण होता है। तो अब कैसे कराएं, तो ये प्रतियोगिता रखती। अब कौरव पांडव दोनों बच्चे बालक थे, भागे दौड़ते हुए जाएं नदी से जल भर के लाएं और डालें बगीचे में, खूब पसीने पसीने और हंस रहे हैं, खेल रहे हैं सब, एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं कि देख मैं पहले भर लाया, वो कहे मैं पहले भर लाया, और उनको पता ही नहीं लगा कि इस प्रकार के न जाने कितने खेलों के माध्यम से द्रोणाचार्य ने उनको बलवान बना दिया, उनके शरीरों को मजबूत कर दिया। हंसे, खेले, धरिवा ध्यानम, ध्यान धरा, किसका ध्यान धरा, शरीर का, स्वास्थ्य का, शरीर के बल का। आप देखते होंगे बच्चे को यदि कहें कि बेटा जरा बाहर ये काम कराओ, वो कहेगा बहुत धूप है मैं नहीं जा सकता, बहुत ठंड है मैं नहीं जा सकता, हजार बहाने लगाएगा। और बच्चों को कहो कि जाओ दोस्तों के साथ खेल ले, तो ना उसे धूप लगती, ना उसे ठंड लगती, ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना बारिश लगती, कुछ नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। तो खेल एक ऐसी विधि है, एक ऐसी विधि कि जिसमें हंसते हुए व्यक्ति ध्यान धरता है। अब ये तो हो गई व्यायाम संबंधी बात, तो भीतर जो भक्ति है वह कैसे हंसते हुए और खेलते हुए लगे, क्योंकि ध्यान धरना जो यहाँ पर सभी लोग भी जानना चाह रहे हैं कि प्रभु के चरणों में ध्यान लगना। अब खेलने की तो किसी की उम्र रही नहीं कि कोई खेले, तो प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना है, और वो कैसे लगे हंसते हुए और खेलते हुए। तो खेलने का मतलब केवल मैदान में जाकर खेलना नहीं है, खेलने का मतलब होता है कि भीतर आनंद की लहर उठना, जो कुछ आसपास चल रहा है उसे खेल समझना। अब ध्यान क्यों नहीं लगता ये समझिए, ध्यान विधि कहती है धरिवा ध्यानम, मैं ध्यान को धारण करूं। कैसे धारण करोगे, क्योंकि धारण करने के लिए पहले चाहिए हंसना, खेलना, तो हंसना और खेलना कैसे आए। अभी कोई गाली देकर चला जाए तो सारी हंसी उड़ जाती है, खेलना वेलना तो दूर का है, लड़ना आ जाता है, खेलने के बदले लड़ना आता है, लड़ीबा लड़ीबा खेलीबा के बदले। तो जीवन में ये ध्यान विधि क्या सिखाती है कि सबसे पहले तो अपने को हंसते हुए रखना है, हंसीबा। अब हंसते हुए आप अपने को कैसे रखेंगे, तभी रख सकते हैं जब बाहरी लोगों के जो डायलॉग्स हैं, जो टिप्पणियां हैं,
जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे स्वयं को अप्रभावित रख सकेंगे, तब दुनिया वाले आपको क्या कह रहे हैं, आपके विषय में क्या कह रहे हैं, आधे से ज़्यादा तो यही हमारी अप्रसन्नता के कारण हो जाते हैं कि उसने यह कह दिया, बस सोच में पड़ गए, चिंता में पड़ गए। तो हंसी बा हंसी तो चली गई, तो फिर बाकी तो सारी चीज़ें समाप्त हो गई, पहली चीज़ समाप्त हो गई। लेकिन जिसने ये मान लिया कि मेरे चारों तरफ की जितनी भी परिस्थितियां हैं जो मुझे सता रही हैं, मेरे पास कितने प्रश्न आते हैं कि परिवार में लोग मुझे हमेशा गालियां देते हैं, मेरा तिरस्कार करते हैं, मेरा अपमान करते हैं, सास बहू का कर रही है, बहू सास का कर रही है, पति पत्नी का कर रहा है, पत्नी पति का कर रही है, तो आधे से ज़्यादा तो दुख तो अपमान के हैं, तिरस्कार के हैं, उपेक्षा के हैं, आधे से ज़्यादा दुख। और सारी ऊर्जा जब इन्हीं दुखों पर टिक जाती है तो वह परमात्मा के चरणों में कहाँ से जाएगी, बताइए। मीराबाई, हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम, हंस रही है, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोए, लोग उसे गालियां दे रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर फब्तियां कस रहे हैं, उसे कलंकित कर रहे हैं, मीरा को परवाह नहीं। मीरा का अपना नाच इतना चल रहा है कि उसे अपने नाच से ही फुर्सत नहीं, अपने भीतरी आनंद से ही उसे अवकाश नहीं। तो जब भीतर इतना खेल चल रहा हो आनंद का, उत्साह का, उमंग का, भक्ति का, तब कोई क्यों बाहर की परवाह करेगा, क्यों करेगा? हमारे जीवन में आसपास जो भी घट रहा है, जो भी, उसे जब हम एक खेल मानकर चलते हैं तो हंसते हैं तब, लेकिन अब खेल के अंदर भी लोग दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। आप देखते हैं खेल चल रहा है, मैच चल रहा है, अब मैच में जो टीम जीत जाती है वह कितनी आनंदित दिखाई देती है, और जो हार जाती है, मैं जीतने वाली टीम की बात नहीं कर रहा अभी, अभी है हारने वाली टीम, जो टीम हार जाती है वो देखो कैसे मुंह लटकाए हुए, उदास, दुखी खेल के मैदान से जा रहे होते हैं। देखा है कभी जो खिलाड़ी आउट हो जाता है उसका चेहरा देखो कैसा होता है, बहुत दुखी सा, सिर झुकाए तब वो जा रहा है। क्यों भाई, तेरा क्या लूट गया, क्या बर्बाद हो गया जो तू इतना दुखी है, इतना उदास है, बता। मैंने देखे बड़े बड़े खिलाड़ी, अध्ययन किया, हार गए खेल में, रो रहे हैं, दुखी हैं, उदास हैं, क्यों भाई? खेल ही तो था ये। प्रेमचंद कहते हैं खेल को खेल की भावना से खेलो, प्रसन्न हो कि दूसरे ने तुम्हें पराजित कर दिया, आनंदित हो कि परमात्मा ने मेरे से भी बेहतर कोई खिलाड़ी पैदा किया जिसने मुझे हरा दिया, प्रणाम है उस खिलाड़ी को। ऐसा भीतर एक उत्साह का भाव हो, आनंद का भाव हो, प्रसन्नता का भाव हो कि वाह क्या बढ़िया बाजी चली कि मुझे आउट कर दिया, मुझे पराजित कर दिया, हरा दिया, मज़ा आ गया। तो जब ये हार का मज़ा लेने की बात आ जाती है तब क्या होता है, हंसते हैं आप, हंसी बा, और फिर खेलते हैं, और धरी बा ध्यानम, फिर ध्यान तो खुद ही लग जाता है, खुद ही लग जाता है। गुरजीफ कहता था मुझे कोई हरा नहीं सकता। किसी ने पूछा भाई क्यों नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता? उसने कहा नहीं, कोई भी नहीं हरा सकता, बड़े से बड़ा पहलवान कोई भी हो, कोई मुझे नहीं हरा सकता। पूछा गया भाई ऐसी क्या बात है, क्यों नहीं हरा सकता? उसने कहा इसलिए नहीं हरा सकता कि हम पहले से ही हारे हुए हैं। समझिए इस बात को, उस व्यक्ति का कोई अपमान नहीं कर सकता कोई भी,
जिसे न मान की चिंता हो, न सम्मान की, न अपमान की, जो इन सब से परे हो जाए, जो इन सब से। और यही एक सबसे बड़ी बाधा है जो ध्यान नहीं लगने देती। धरीबा ध्यानम, ये जो आसपास की चिंताएं हैं ना, चारों तरफ फैली हुई, नुकसान हो जाते हैं हमारे बड़े से बड़े, तो बस जैसे कि खिलाड़ी हार गया खेल में तो कितना दुखी उदास जा रहा है, निराश जा रहा है, ऐसे जीवन में बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। और जैसे ही नुकसान हो जाते हैं वैसे ही बस चारों तरफ से अंधेरा, निराशा, दुख, ये सब घेर लेते हैं। और वो जो हंसी बा खेली बा वाली बात आती है, बहन नदारत एकदम गायब, बिल्कुल गायब, क्योंकि इतना गहरा हमारा तादाद में हार के साथ हो चुका है। हार को हमने इतनी जल्दी गले लगाना शुरू कर दिया है कि फिर वो हमारे गले लगकर ही रोती है और हमें भी रुलाती है। लेकिन यदि हार को हम प्रसन्नता के साथ स्वीकार करें तब ये ध्यान विधि शुरू होती है। हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम, फिर ध्यान धरा जाएगा बाद में, उससे पहले नहीं। चुनाव में हार गए, हारे हुए नेता को देखिए जो चुनाव में हार जाता है, तभी तो लोगों से पूछते हैं आपस में एक दूसरे से, मित्र, क्या भाई इतने उदास क्यों हो, कोई चुनाव में हार गए हो क्या तुम, हैं, पूछते हैं ना। तो यही है कि जिस दिन हम अपने भीतर ये खेल की भावना ले आएंगे कि ये राम की लीला चल रही है, इस लीला में राम किसी को हरा रहे हैं, किसी को जिता रहे हैं, और हम उस खेल को देख रहे हैं, खेल को देखकर आनंदित हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, राम झरोखे बैठ के जग का मुजरा देख, कि जब आप राम के झरोखे पर बैठ जाएंगे तो इस सारे संसार में मुजरा ही हो रहा है, नाच गाना चल रहा है, तो इसको देखो बड़े आनंद के साथ, बड़े आनंद के साथ। इस ध्यान विधि को किस तरह से जीवन में अपनाना है, दैनिक जीवन में, कि सबसे पहले तो दूसरों की गालियों से स्वयं को अप्रभावित रखकर चलना है, पूरी तरह से अप्रभावित। ये नहीं कि उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मेरे विषय में यह कह दिया, वह कह दिया, ऐसा सोचता है वह मेरे विषय में, सोचने दो, कहने दो, मुंह पर भी कोई गाली दे जाए तो हंसकर उसकी गाली का स्वागत करो, प्रेम से मुस्कुराकर देखो गाली देने वाले को, और फिर देखो भीतर कितनी बड़ी क्रांति घटती है। अब ये करके नहीं देखा ना, अभी तो यही है कि किसी ने एक गाली दे दी तो 10 गालियां उसके बदले में हम उसको एज ए रिटर्न गिफ्ट दे देते हैं, अच्छा भैया तूने एक गाली दी अब हम 10 देते हैं। तो 10 गालियां देते ही हमारे भीतर की वो सारी ऊर्जा जो भक्ति में, जो ध्यान में लगनी थी, वो व्यर्थ में नाली में बह गई, व्यर्थ में बह गई। इस व्यर्थ से बचना है, अभ्यास करना है, साधना है। ध्यान विधि का नाम ही क्या है, साधना। तो अभी से ये प्रयास कीजिए। और एक बात और बता दूं, जो भी व्यक्ति इस समय इस ध्यान विधि को लेकर ये संकल्प करेगा कि मैं किसी की भी बातों से बुरा मानकर स्वयं को प्रभावित नहीं होने दूंगा, ये संकल्प लेते ही चारों तरफ से लोग उस पर हमलावर हो जाएंगे, चारों तरफ से कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि लोग उसको अपमानित करेंगे, उसे गालियां देंगे, उसे नीचा दिखाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य अपने भीतर कोई संकल्प ले, वह अपने मन से कहे, तन में मन है शिव संकल्प मस्तु, कि है मेरे मन तू शिव संकल्प वाला हो जा, तो माया ऐसे चुपचाप बैठी रहेगी क्या? वह कहेगी होके तो दिखाओ, मैं ऐसी ऐसी सिचुएशंस आपके सामने लेकर आऊंगी कि सारी साधना आपकी देखते देखते धूल में मिला दूंगी। तो ये मैंने
बाधाएं भी बता दी, क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से खतरे आ सकते हैं, सब बता दिए, सभी बता दिए। तो अब इन सब संकटों को समझते हुए अपने भीतर के उस आत्म तत्व को स्थिर रखना है, स्थिर रखना है, उसे हिलने मत देना। जैसे कि बिना हवा के कमरे में एक ज्योत जलती है, अकंप, कोई कंपन नहीं होता। और आप कहेंगे कि हवा चले तो क्या करें, तो हवा चले तो क्या होता है, लालटेन को कोई हवा नहीं हिला सकते क्योंकि शीशा है, चारों तरफ प्रकाश भी आ रहा है, हवाएं भी तेज चल रही हैं, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अपने चारों तरफ इसी सजगता का, इसी हंसीबा खेलीबा का चारों तरफ एक पारदर्शी कांच लगा लीजिए और उस लालटेन के कांच के भीतर अपने ध्यान की ज्योति को जलाइए। और तब कितनी हवाएं चलें, आपकी ज्योत हिलेगी नहीं, कांपेगी नहीं, वह हंसेगी, नाचेगी, खेलेगी और आपके भीतर अंतर मन को प्रकाशित करती रहेगी।